धर्म और जातियों में लड़ाई बढ़वाने की कोशिश की जा रही है, उस सारी साजिश के तहत इन लोगों का एकमात्र टारगेट है कि किसी तरह से एजुकेशन को चेंज कर दो, एजुकेशन को बर्बाद कर दो। जो जहर ये लोग राजनीति के जरिए घोलने की कोशिश करते हैं, जो जहर ये लोग अपनी घटिया नीतियों की वजह से घोलने की कोशिश करते हैं, वो जहर ये परमानेंट माइंडसेट में एजुकेशन के जरिए घोलना चाहते हैं। और मुझे इस बात की चिंता है कि अगर ये लोग कामयाब हो गए तो देश में फिर शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे इस बात की चिंता है कि हम आज जिन्हें स्कूल कहते हैं कल उनको आरएसएस की शाखा ना कहा जाने लगे। मैं आज यहां कहने आया हूं कि शिक्षा मंत्री होते हुए मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं देश की यूनिवर्सिटीज को, दिल्ली की यूनिवर्सिटीज को, दिल्ली के स्कूल्स को, और हम सब साथ खड़े होंगे तो देश के बारे में कह सकते हैं कि उनके आरएसएस का शाखा का ग्राउंड नहीं बनने देंगे। ये लोग कोशिश में हैं, इन्होंने देश की सबसे ब्रिलियंट माने जाने वाली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, जेएनयू को आज बदनाम करके रख दिया है इनकी घटिया नीतियों की वजह से। आज रोजाना मैं अखबार में पढ़ता हूं कि किस तरह से भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस तरह से देश में वाइस चांसलर्स को मनमाने तरीके से अपॉइंट कर रहा है, और जो वाइस चांसलर इनकी साजिशों के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं होते, जो इनकी मनचाही जहर भरी नीतियों को अपने यहां लागू करने से मना करते हैं, उनको किस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करते हैं, उनको कैसे परेशान करते हैं, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूं। मैं इस बात के लिए आपके एकदम साथ हूं कि जो भी नीतियां ये बना रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के नाते उनकी चाहे कैब की मीटिंग हो या बाकी शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो, उसमें इन सारी चीजों का विरोध करना मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं इसका विरोध करूंगा। और आज मैं यहां इस मंच से कहना चाहता हूं, मैंने शिक्षा मंत्री जी को कहा था, मानव संसाधन विकास मंत्री जी को, कि आप देश की शिक्षा नीति को स्पष्ट करिए। 1966 से लेकर आज तक हम ड्राफ्ट 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 करते रहते हैं, ना पैसा बढ़ाते। आपने टीएसआर कमेटी लाए, टीएसआर कमेटी की सबसे खतरनाक साजिशों में लाया कि एजुकेशन ऑफिसर्स का लाइनअप बनाया जाएगा, इसका मतलब जो राज्यों का काम है एजुकेशन देना वो खत्म करके आप आईएएस और आईपीएस की तरह से एजुकेशन के ऑफिसर्स भी ऊपर से नीचे तक स्कूल से लगाओगे। उसमें टीएसआर के रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा रिकमेंडेशन है, चलो रिकमेंडेशन मान लेते हैं, उसमें भी बहुत खामियां हैं। और अब जो वेबसाइट पे आपने रिजोल्यूशन डाला है, जो आइडिया डाला है, वो तो और भी खतरनाक है। वो अगर ठीक से लागू इन्होंने कर दिया तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि हम अपने स्कूलों में सिर्फ नमस्ते सदावत्सलम करते हुए पाए जाएंगे। इसलिए मेरा किसी व्यक्तिगत समूह या किसी धर्म या जाति से विरोध नहीं है, लेकिन स्कूलों को किसी भी धर्म या जाति के प्रचार की जगह नहीं बनाना है, किसी भी धर्म या जाति के। स्कूलों को हम लोग शिक्षा का, इंसानियत का, इंसान निकालने का, वहां से अच्छे प्रोफेशनल्स निकालने का कॉलेजेस को लक्ष्य मान के चलते हैं, यूनिवर्सिटीज को। लेकिन अगर उनको वहां से धर्म और जाति में बटे हुए लोगों को निकालने के लिए और लोगों के मन में धर्म और जातियों का जहर घोलने की कोशिश करने के उसमें करेंगे तो हमारी पूरी सरकार भी इसका विरोध करेगी। और आज मैं इस मंच से मांग करता हूं कि जो सर्कुलर एक आइडिया के रूप में वेबसाइट पर डाला गया है, या तो देश भर से जितने इनपुट आए हैं, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, बच्चों से, बड़ों से, प्रोफेसर से, इवन रिक्शा वाले से भी जो इनपुट आया हुआ है, उसको भी कुछ एजुकेशन की समझ है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो सारे इनपुट वेबसाइट पर डालिए। अगर आपके पास में हजारों इनपुट आए तो हजारों इनपुट को वेबसाइट पर डालिए और कहिए कि हमारे पास ये सजेशन आए हैं, उनमें से एक सजेशन है। शिक्षा मंत्री के रूप में आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, आम आदमी पार्टी के एक मेंबर के रूप में मैं आपके साथ में हूं, और इस लड़ाई को जहां तक जरूरी होगा वहां तक लड़ेंगे इसको।
की बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर लोगों के सरोकार से दूर जाती है तो उसको राजनीति में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सर्वेश्वर की एक छोटी सी कविता है और वो बहुत बचपने में हमने पढ़ ली थी। अगर तुम्हारे घर के कमरे में लाश चल रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? अगर तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सर रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारा जवाब हां है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूं कि ये उस दौर की बात थी और आज का दौर उससे ज्यादा बदहाल है। माफ कीजिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं कह रहा हूं, एक शिक्षक, एक पिता, एक दोस्त के तौर पर कह रहा हूं। मैंने ऐसी भयावह छवियां संभवतः जर्मनी के इतिहास में भी नहीं देखी। हैदराबाद से शुरू हुई चीजें जेएनयू में गई, जादवपुर में गई और आप सब देख रहे हैं पूरा सरोकार है कि सामाजिक न्याय के ताने बाने को, धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को तहस नहस कर देना। इन्हें समता नहीं चाहिए, इन्हें समता इसलिए नहीं चाहिए कि समता इनके चरित्र में नहीं है। इन्हें शिक्षा चाहिए असमानता के टूल के रूप में। इन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए जहां ये आम लोगों को तब्दील करें आर्थिक व्यवस्था के सबसे निचले तबके पर और खास लोगों को बिठाएं उस आर्थिक व्यवस्था के मालिक के रूप में। इस तरह के निजाम में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह की हुकूमत से आप किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं? बीते दिनों में लगातार तमाम सिविल सोसाइटी के दोस्तों के साथ, आपके साथ, किसानों मजदूरों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात होती है। सिर्फ एक आग्रह करता हूं कि राजनीति तभी जिंदा रहेगी अगर आप अपने अपने मतभेदों को दरकिनार कर लोगों के पक्ष में इकट्ठा हो। ये वो दौर है जहां अगर आपने ये कोशिश की कि मेरी इस कमीज उस कमीज से ज्यादा सफेद है इसलिए मैं सफेद कमीज वालों को तलाशूंगा और थोड़ी गदली कमीज वालों के साथ नहीं बैठूंगा, मुल्क आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैंने जो ड्राफ्ट देखा उस ड्राफ्ट के आधार पर पहली चीज जो मेरे जहन में आई, हमारे दल के अंदर भी जो बैठक हुई, चिंतन हुआ, उसमें आया कि सर्वप्रथम तो किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि इस तरह का ड्राफ्ट न जिसका सिर है, न जिसका पैर है और न जिसकी आत्मा है, इसको आप तुरंत वापस लो, फौरी तौर पर वापस लो। कहता हूं कि आपने इस मुद्दे को पार्लियामेंट के सामने सड़कों पे उठाने का एक बहुत साहस किया एंड आई रियली वेलकम टू दोज पीपुल हु ट्रेवल फ्रॉम द चेन्नई टू दिल्ली और वहां से चल के आके आपने इस मुद्दे को उठाया। ये शिक्षा नीति का सवाल इस सरकार के आने के साथ ही शुरू हो गया। पिछले 2.5 सालों से हम सुन रहे हैं कि देश में शिक्षा नीति बन रही है और सरकार तमाम लोगों से चर्चा कर रही है, लेकिन वो लोग जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के संघी ढांचे को बचाना चाहते हैं, जो इगैलिटेरियनिज्म में यकीन रखते हैं, जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, जो देश की डेमोक्रेसी को शिक्षा के माध्यम से बचाना चाहते हैं,
उन लोगों से इस सरकार ने कोई चर्चा राइट टू एजुकेशन पॉलिसी पर नहीं किया, इस शिक्षा नीति पर नहीं किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर नहीं किया। इन्होंने कहा चर्चा की और करने के बाद कहा कि हमने 2.5 लाख सजेशन इकट्ठे कर लिए हैं, 2.5 लाख कंसल्टेशन कर लिए हैं, वेबसाइट से 25,000 सजेशन ले लिए और एक 5 लोगों की कमिटी बनाई थी सुब्रमण्यम साहब के नेतृत्व में, जिसने कि सारे सजेशंस को कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट बहुत विवादित है, लेकिन इस सरकार ने उस रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि संस्कृत के सवाल पर सुब्रमण्यम कमेटी और इस सरकार के मंत्रालय के MHRD के बीच में कुछ विवाद हो गया। और अब एक नई इनपुट आ गया है, ड्राफ्ट इनपुट ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, जिस पर की चर्चा कराई जा रही है। हमने 68 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, जिस पर कोठारी साहब का, कोठारी के विचार छाए हुए थे, जिसमें कोठारी साहब ने कहा था कि शिक्षा की एक सामाजिक भूमिका है, शिक्षा खाली लर्निंग आउटकम नहीं है, शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन नहीं है, शिक्षा विभिन्न धर्मों, संस्कृति, भाषाओं के विविधतापूर्ण देश को एक साथ रहने का तरीका सिखाती है, शिक्षा का एक सोशल रोल है। और इसलिए कोठारी साहब ने कहा कि इस देश में अगर एकता कायम करनी है तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए, हर स्कूल का एक पड़ोस तय कीजिए और उस पड़ोस का हर बच्चा एक स्कूल में आएगा, क्योंकि स्कूल इज द प्लेस फॉर सोशलाइजेशन और उस जगह पर लोग तालीम हासिल करेंगे। 68 की पॉलिसी के बाद हमने 86 की पॉलिसी बनाई, वहां भी कॉमन स्कूल सिस्टम की बात हुई थी और 6% देश की आमदनी का शिक्षा पर खर्च करने की बात हुई। आज तो शिक्षा पर खर्चे की बात नहीं हो रही, 50 साल पहले कोठारी साहब ने 6% की मांग की थी, आज हम केवल 3.5% शिक्षा पर अपनी आमदनी का खर्च करते हैं। और उसमें भी जो सेस लगाया था यूपीए गवर्नमेंट ने एडिशनल फंडिंग के लिए, 65% बजट उस फंड से आता है शिक्षा के लिए। ये सरकार आने के साथ ही पहले बजट में इस सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया शिक्षा बजट में कटौती कर दी, सर्व शिक्षा अभियान के बजट में कटौती कर दी और ICDS के बजट में कटौती कर दी, मिड डे मील में कटौती कर दी, पूरा जो बच्चों से रिलेटेड बजट था उसमें 54% का कट पहले बजट में अरुण जेटली साहब ने इस सरकार ने किया। और अब आप नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हो, हमारे देश में एक कानून बना 2002 में, फंडामेंटल राइट हुआ शिक्षा, दुनिया भर में आवाज उठी, दुनिया के तमाम देशों ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय शिक्षा को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा, मौलिक अधिकार नहीं बनाया, शिक्षा आर्टिकल 45 में थी। लंबे संघर्ष के बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सिविल सोसाइटी के मूवमेंट्स के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू एजुकेशन इज इक्वल टू राइट टू लाइफ और ये सरकार की ड्यूटी है कि वो देश के बच्चों को शिक्षा दे। आर्टिकल 45 को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए, शिक्षा इज एजुकेशन इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। और इसके बाद हमारे देश में फंडामेंटल राइट बना 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। हम चाहते थे कि वो 0 से 18 तक बने, प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक इस देश में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बने, लेकिन वो नहीं बन सका। और वो उसको लागू करते हुए 2013 और 2015 की सीमाएं तय की गई थी, पार्लियामेंट ने तय किया था, कनी मौजी जिस पार्लियामेंट में बैठती है वो पार्लियामेंट ने तय किया कि देश के सारे बच्चों को स्कूलों में लाएंगे, उनको 8वीं तक मुफ्त शिक्षा देंगे और शिक्षा के लिए जो भी जरूरी बजट होगा वो देंगे। 2002 में फंडामेंटल राइट और 2009 में कानून बन गया। इस कानून को लागू करने की जरूरत थी, लेकिन ये कानून देश के स्कूलों में लागू नहीं है। आज भी आपको मालूम है कि देश के 5.5 लाख, देश में 5.5 लाख टीचर वैकेंसी है, 6.5 लाख टीचर है जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, जो अनट्रेन टीचर है। हमने पढ़ाई की है, इसका मतलब हम पढ़ा नहीं सकते अगर हमारे पास ट्रेनिंग नहीं हो। इस कानून को लागू करने की जरूरत थी, सरकार इस कानून को रद्द करने के लिहाज से शिक्षा नीति पर इसने चर्चा शुरू कर दिया। और ये शिक्षा नीति के अंदर क्या है,
इस शिक्षा नीति में कोई ऐसी चीज आपने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को डाइल्यूट कर दिया इस शिक्षा नीति के अंदर। शिक्षा के मामले में हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन आप देखिए जो इनपुट इन्होंने जारी किया है, उस इंट्रोडक्शन में इन्होंने गुरुकुल प्रणाली की तो चर्चा की है, इन्होंने भास्कराचार्य से बाण भट्ट की तो चर्चा की है, लेकिन इन्होंने सर सैयद साहब की चर्चा नहीं की जिन्होंने अंग्रेजी और साइंस पढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, माइनॉरिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने प्रोफेसर जाकिर हुसैन की बात नहीं की जिन्होंने जामिया मिलिया खड़ा किया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका अदा की। इन्होंने उन क्रिश्चियन मिशनरीज का जिक्र नहीं किया जिन्होंने आदिवासी गांव में, देश के दूर दूर गांव, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है हमारे IIT, हमारे IIM, ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब के ऊपर आप हमला करना चाहते हो। हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी, जहां से देश के लिए राष्ट्रीय नेता पैदा होते हैं, देश के लिए चिंतक पैदा होते हैं, उस ऑटोनॉमी की बदौलत पैदा होते हैं, उस ऑटोनॉमी पर आप हमला करना चाहते हो, उस ऑटोनॉमी को आप खत्म कर देना चाहते हो। आप सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज के बंद करके पूरे शिक्षा सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपना चाहते हो। प्राइवेटाइजेशन आपको मालूम है, देश में 75% हायर और टेक्निकल एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। ये जो टीचर ट्रेनिंग का काम है 92% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, 65% सेकेंडरी टीचर्स जो सेकेंडरी एजुकेशन है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। हमारे गरीब राज्यों की वजह से स्कूल एजुकेशन का 70% अभी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है, गवर्नमेंट स्कूलों में है, वरना वो भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी से समझौता करके 4000 स्कूल दे दिए हैं उनको लो कॉस्ट स्कूल चलाने के लिए। आप एक ऐसी नीति ला रहे हो कि शिक्षा जिसके जेब में पैसा होगा वो बढ़िया स्कूलों में भेजेगा अपने बच्चे को, और जिसके जेब में पैसा नहीं होगा उसको लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे। और इस तरह से शिक्षा जो सबको एक साथ करती है, वहां आप डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो, वहां आप विभेद पैदा कर रहे हो, स्टेटस के हिसाब से शिक्षा और स्कूल देने की बात कर रहे हो। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपके इस पूरी लड़ाई के साथ पूरी एकजुट राइट टू एजुकेशन फोरम देश के 20 राज्यों में 10,000 ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन और टीचर्स एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब की तरफ से आपकी इस लड़ाई को के साथ है। हमें वो शिक्षा नीति चाहिए जो संविधान की भावनाओं के अनुरूप हो, जो इगेलिटेरियनिज्म के अनुरूप हो, जो सेक्युलर और डेमोक्रेसी का सेंस हमारे बच्चों के अंदर पैदा कर सके, जो सबको एक साथ रहना सिखा सके, ऐसी शिक्षा नीति हमें देश के अंदर चाहिए। इस शिक्षा नीति को हम रद्द करते हैं। धन्यवाद।
நம்மோடு இணைந்து குரல் கொடுக்க வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை அரசியல் இயக்கங்களை சார்ந்த தலைவர்களுக்கும் தலைநகரத்தை தட்டி எழுப்ப தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் தன் எதிர்காலத்தை தக்ஷின் பாரத் மே இஸ் பாலிசி கோ கிஸ் நஜர் சே தேக்தே ஹே கிஸ் ஷக் சே தேக்தே ஹே ஆர் கிஸ் அஸ்மஞ்சஸ் சே தேக்தே ஹே தக்ஷின் பாரத் क्योंकि आप लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग दक्षिण भारत के हैं और बाकी उत्तर भारत के सोच रहे होंगे कि वहां पर इतनी जोर से इसके ऊपर क्यों लोग विचलित हो गए हैं, जबकि उत्तर भारत में कुछ सेक्शन विचलित है मगर आम जनता में अभी तक इसके ऊपर जो चौंकना था शायद चौंक नहीं पाए। दक्षिण भारत में एक इक्वालिटी एक ट्रेडिशन है, तमिल भाषा खुद क्योंकि पॉलिसी के अंदर संस्कृत की बात आई है, तमिल भाषा संस्कृत से ज्यादा पुरानी है। मैडम का कहना है कि उत्तर भारत में भी संस्कृत एक तरीके से डेड भाषा है, सिर्फ पोथियों में है, आम जबान पे मार्केट में नहीं बोली जाती है, मगर तमिल जो उससे ज्यादा पुरानी है, आम जनता की भाषा है, कॉमर्स की भाषा है, दुकानदारी की भाषा है, स्कूलों की भाषा है, उसके ऊपर किसी और को थोपना टोटली असहनीय होगा। दूसरी बात जो ये नई पॉलिसी में आई है, इसमें जो इनइक्वालिटी बनाई जा रही है उसका तमिलनाडु में एक बारी एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी वहां पे मुख्यमंत्री थे तो वहां पे उन्हें कुलकालवी नाम से एक एजुकेशन की प्रथा, एक शिक्षा प्रथा रखने की कोशिश की गई। उस शिक्षा प्रथा में जो उत्तर भारत में ब्राह्मण का बच्चा ही एजुकेशन पढ़ेगा, दलित का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उस जन्मजाति पद्धति फैलाने की कोशिश की गई मगर जनता ने उसको नकारा और राजगोपाल जी को एक तरीके से उखाड़ के फेंक दिया। ये आजकल के जो राज्य कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कलमोड़ी ने और भी बताया दक्षिण भारत में और एजुकेशन पॉलिसी में जो होना चाहिए, गरीब की इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, जिसका इस नई पॉलिसी में काफी जोर से आघात हो रहा है कि दक्षिण भारत में किस शंका की दिशा से इस बेसर बे बॉडी बे पांव बिना दिल की जो पॉलिसी है उसको देखा जा रहा है। எப்படி அத்தனை மக்களுக்கும் உரிமை இருக்கிறது, எந்த வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு கல்வி அறிவு மறுக்கப்பட்டதோ அந்த வீட்டு பிள்ளைகள் இன்று படித்துவிட்டு நல்ல பதவிகளிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பிஜேபி அண்டர் தி டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்எஸ்எஸ் வான்ட்ஸ் திஸ் கண்ட்ரி டு பி ரன் ஆன் தேர் ஐடியாலஜி. We cannot accept that. There are some areas which do not believe in the Sanatan Dharma. They eat beef. Their culture is different. But in a such a diverse society, the RSS wants to impose their will, and this they can only do by rewriting the history of India and framing the education policy which suits them, which will drive this country to their ideology. I am very surprised, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ग्रुप था एजुकेशनिस्ट का, उनकी जो रिपोर्ट थी वो बिना कॉमा फुल स्टॉप के बदले उसको ही वेबसाइट पर डाल दिया, यानी कि
बिना किसी से चर्चा किए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा नीति को ही भारतीय सरकार, भारत की सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने उसको वेबसाइट पर डाल दिया। यानी कि भारत सरकार की यह नीति है, भारत सरकार की नीति बनाने के लिए अब वो कहता चर्चा कर लीजिए। भाई चर्चा तब होती है जबकि ड्राफ्ट पॉलिसी में आप हम लोगों की राय मशवरा लें, उसमें आप लोगों ने राय मशवरा ली नहीं। कुछ चुनिंदा लोगों को जो कि संघ से संबंधित हैं, उन लोगों को लाकर आपने एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर उससे कहा कि आप चर्चा कर लीजिए। हमारी ये मांग है सबसे पहले तो उस ड्राफ्ट पॉलिसी को आप अपनी वेबसाइट से निकालिए, उसके बाद हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम तैयार नहीं हैं। आप इस देश के एमिनेंट एजुकेशनिस्ट से चर्चा करके समिति बनाइए, समिति बनाकर हर वर्ग, हर धर्म, हर किस्म के लोगों को उसमें चर्चा में शामिल करिए, ओपन डायलॉग करिए, जनसभाएं आयोजित करिए, स्कूल्स के अलग अलग सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के संस्थाओं के साथ चर्चा करिए और उसके साथ मिली जुली एक एजुकेशन पॉलिसी बनाइए। जिस प्रकार से माननीय राजीव गांधी ने सन 86 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, उसके पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकारी स्कूलों के जो शिक्षा का स्तर है वो गिरा हुआ है। आज जो प्राइवेट एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो शिक्षा की दुकानें बन गई हैं। उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है और वो तभी लाई जा सकती है जबकि सभी को मिलकर हम लोग चर्चा करें और चर्चा करने के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए। आज हालत यह है कि राज्यों के हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालत खराब है, उनमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी हम चाहते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो रीजनल लैंग्वेज के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए और उसके बाद आज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी और भारत की हमारी जो भाषा है हिंदी उसको हम लोग स्वीकार करें, अपनाएं। लेकिन ये सब चर्चा के बाद ही संभव है। इस एजुकेशन पॉलिसी में जिन शब्दों के चयन से अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के साथ ये कहा गया है कि ये वर्ग पढ़ाई में बहुत पीछे है, ये अपने आप में एक अन्यायपूर्ण एक उल्लेख है। ये अवसर की कमी है, कोई बुद्धि की कमी नहीं है इन वर्गों में। अगर इनको अवसर मिलता है तो इन्हीं में से बाबा साहब अंबेडकर निकलते हैं, इन्हीं में से हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम निकलते हैं, नारायण साहब निकलते हैं। आज शिक्षा का स्तर अनुसूचित जाति जनजातियों में पिछड़ापन है, ओबीसी में भी कई वर्ग ऐसे हैं जिनमें पिछड़ापन है, हमारे मुसलमान भाइयों में भी पिछड़ा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है।
दिन सभी लोगों से चर्चा करने के बाद ही हमारी ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी बनना चाहिए। इसलिए मैं आज इस मंच से केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि आपकी जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, जो कि संघ की एजुकेशन पॉलिसी है, इसको तत्काल वेबसाइट से हटाकर और फिर से बुनियादी तौर पर इसमें चर्चा कराइए। हम इसकी मांग का समर्थन करते हैं।